हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौम्या सोनी, आपकी हिंदी की टीचर, और आप देख रहे हैं MVMPS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण, कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण। यदि आप देख सकते हैं, आप हिंदी व्याकरण की बुक है, इसका फ्रंट पेज हिंदी व्याकरण, जो सोफिया पब्लिकेशन की है। आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा, यह है इसका फ्रंट पेज। तो आइए हम लोग इसके पाठ के बारे में पढ़ते हैं। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा, हम बात करेंगे कक्षा 6 की हिंदी ग्रामर की बुक है के पाठ 31। तो बेटा, पाठ 31 पर नहीं जाइएगा। हमारा आज का टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम छोटी कक्षाओं से ही लिखना जानना सीखने लगते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेटर राइटिंग। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। तो हम अपने दूरस्थ मित्रों एवं रिश्तेदारों के हाल चाल जानने के लिए अथवा किसी बात को विस्तार से बताने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे पत्र कहते हैं। पत्र संदेशों के आदान प्रदान का सबसे उत्तम सस्ता एवं सुगम साधन है। पत्र में हम विस्तार से अपने मनोभावों को लिख सकते हैं। वैसे तो वर्तमान युग में टेलीफोन, मोबाइल व कंप्यूटर आदि का प्रचलन हो गया है, परंतु इनके द्वारा हम एकाग्र चित्त होकर अपने मन की बातें नहीं कह पाते। इसके लिए एकांत व शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। अच्छा पत्र वही माना जाता है जिसमें आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें। वैसे तो पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र आदि, परंतु मुख्यतः पत्र की केवल दो ही श्रेणियां होती हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो आइए पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं। तो पहला है संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंग से बात लिखें। दूसरा है पत्र में प्रेषक का नाम, पता एवं दिनांक सबसे पहले लिखें। तीसरा है जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके अनुकूल संबोधन शब्दों का प्रयोग करें। चौथा, संबोधन के बाद अभिवादन अवश्य करें, जैसे प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार आदि। फिर अगला है पत्र में किसी भी घटना या बात का वर्णन बार बार ना करें। अगला है फिर उसके बाद अपने से बड़ों को लिखे पत्र की भाषा आदरपूर्ण एवं छोटों को लिखे पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। अगला है अधिकारियों को पत्र लिखते समय लिखे पत्र में भी भाषा आदरपूर्ण होनी चाहिए। और नेक्स्ट है पत्र को लिखने के बाद भली प्रकार पढ़ लें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र जिस विषय पर लिखा गया है वह उद्देश्यपूर्ण हो गया या नहीं। तो आइए औपचारिक पत्र देख लेते हैं, फॉर्मल लेटर जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। जिस व्यक्तियों से पारिवारिक और प्रगाढ़ संबंध नहीं होते उन्हें लिखे गए पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादक को पत्र, कार्यालय संबंधी पत्र, व्यापार पत्र आदि। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब पत्रों के नमूने। तो इसमें पूछ रहा है कि अपनी कक्षा का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए, ठीक है। तो सेक्टर आप लिख लोगे, मतलब अपना स्थान का नाम, दिल्ली अगर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का स्थान का नाम। ओके, फिर 12 फरवरी जिस डेट को आप राइट कर रहे हो, पूजनीय पिताजी, आप जैसे पिताजी को राइट कर रहे हो तो पूजनीय पिताजी, फिर सादर, चरण, स्पर्श, ये आप जरूर राइट करोगे। ओके, संबोधन के लिए जिससे अच्छा लगे और पत्र में सादगी और अच्छा सादगी से आपको आपके व्यवहार और आचरण का भी इससे पता चलता है बेटा। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। सादर, चरण, स्पर्श, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी सकुशल होंगे। सब लोग कैसे हैं? आप अपने पत्र में अवश्य लिखिएगा, पिताजी आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं 10वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर 11वीं कक्षा में पहुँच गया हूँ। नई कक्षा में आने का अनुभव बहुत अच्छा है। नई कक्षा में आने के कारण सभी अध्यापिकाएं बदल दी गई हैं, परंतु मेरे सभी सहपाठी पुराने हैं। अब हमारी पढ़ाई भी बहुत कठिन हो गई है। मैं आपकी आशाओं को अवश्य पूरा करूंगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। गर्मियों की छुट्टियां बिताने मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं पत्र की समाप्ति करते हुए आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही आपको और पत्र लिखूँगा। माता जी को मेरा प्रणाम और भैया व दीदी को मेरी नमस्ते कहिएगा। आपका पुत्र, यहाँ आप अपना नाम राइट करोगे, ओके, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हो। तो आइए अब नेक्स्ट पत्र हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है आपका ये प्रार्थना पत्र है बेटा। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है।
इसमें कह रहा है ये पत्र है आपके लिए, इसमें आपको पत्र लिखना है अपनी प्रधानाचार्य जी को, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको सेम ऐसे ही राइट करना है। तो आप पहली लाइन में लिखोगे सेवा में, फिर दूसरी में जिसे आप राइट कर रहे हो, अब प्रधान अगर आप कोई अध्यापक है तो प्रधानाचार्य, अध्यापिका है मतलब तो प्रिंसिपल है, अगर लेडीज़ है तो प्रधानाचार्य आप लिखोगे, और अगर जेंट्स है तो आप प्रधानाचार्य लिखोगे, तो ठीक है। तो श्रीमती यहाँ प्रधानाचार्य हैं मीन्स लेडीज़ हैं, तो औरत हैं, तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला है लाइन सेवा में, दूसरी है आप जिन्हें संबोधन करोगे, तो श्रीमती प्रधानाचार्य जी मेरठ पब्लिक स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, चूँकि मेरठ में है तो मेरठ मीन्स आपका जहाँ स्कूल रहेगा, जिस जिले में जिस स्थान पे वो आप राइट करोगे, और जिस दिन को आप राइट करोगे, जो आप दिन दे रहे हो, जिस दिन आप उनको पत्र दे रहे हो उस दिन आप राइट करोगे, वो दिन आप राइट करोगे वहाँ पे। फिर विषय आप ज़रूर डालोगे कि आप विषय किस लिए आप राइट करके उनको ये पत्र दे रहे हो, तो विषय है आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर उसके नीचे लिखेंगे महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6B की छात्रा हूँ, मुझे मेरे घर में कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं 17 नवंबर 2012 से 18 नवंबर 2012 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति अनुकंपा होगी, धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। आप अपना नाम राइट कर दोगे यहाँ पे। और रही बात बेटा यहाँ पे डेट की, तो आप ये डेट नहीं राइट करोगे, आपको जिस दिन जिस सन में आपको छुट्टी लेनी है आप उतने दिन राइट करके आप फिर आगे लिख दीजिएगा कि 2 दिन या 3 दिन जितना आपको छुट्टी चाहिए, ओके। और नीचे आप आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप लड़की हो तो शिष्य, और अगर आप लड़का हो तो शिष्य राइट करोगे, और नीचे कखग में जहाँ आप राइट है वहाँ आप अपना नेम राइट करोगे, ओके बेटा। तो आपको आई होप आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।